हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। बोलो ना। हाँ, इसी ये नंबर पे क्या? हाँ, ओके। हेलो किट जी, मैं हेलो हाय जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कैसे आप लोग? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो देखो, हम लोग ने कल क्या किया था, हम लोगों ने देखा था सबसेट्स एंड प्रॉपर सेट्स। सही है, सबसेट्स एंड प्रॉपर सेट्स। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं। अगर एक सेट है ए 1, 2, 3, ओके, अगर ये सेट है तो दोनों सही है। फिफ्थ सेट बनेगा सबसेट 2, 3। सिक्स्थ सेट बनेगा 3, 1। सेवेंथ सेट बनेगा 5। सेवेंथ सेट कौन सा बनेगा? 5। एंड एट्थ सेट बनेगा आपका जो ये ऑलरेडी है। एट्थ सबसेट कौन सा होगा आपका? जो आपका पेरेंट सेट है इन सबसेट्स का, वही आपका एट सेट होगा 1, 2, 3। ओके, तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट करके दो चीज़ें होती है, याद है? सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सबसेट मतलब क्या? सबसेट में ये सारी चीज़ें आ गई, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8। मतलब जितने भी पॉसिबल सबसेट्स आपके बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सेट्स आपके बन सकते हैं दूसरे सेट को यूज़ करके, उसको आप क्या बोलोगे? सबसेट्स बोलोगे। ओके, ये तो क्लियर थिंग है। प्रॉपर सबसेट में बहुत लोगों का डाउट था। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या? एकदम सिंपल चीज़ है। आप लोगों का प्रॉपर सबसेट और सबसेट सेम चीज़ है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, एक केस को छोड़ के। कौन सा वाला केस? A8 वाला। इस वाले सेट को छोड़ के ये a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, ये सात के सात सेट आपके क्या है? प्रॉपर सेट है। A1 से लेकर के A7 तक के सारे आपके प्रॉपर सेट है, सिर्फ A8 को छोड़कर। A8 इम्प्रॉपर सेट है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मैच करता है पेरेंट सेट से, इसीलिए वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो पाता। बराबर, ए इज इक्वल टू A8। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए जो सेट है और A8 जो सेट है, वो दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब क्या? वो दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं हो पाए। ठीक है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अभी क्लियर हुआ सब चीज़ है। हुआ है क्लियर? चलो बताओ। देखो, नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज में आप लोग सीखने वालों हो तीन चीजें। फर्स्ट है इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये पहली चीज। सेकेंड चीज है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। एंड थर्ड चीज है कॉम्प्लीमेंट, थर्ड चीज क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो पहली चीज डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन आप कब यूज करोगे, जब क्वेश्चन में एंड आएगा, ठीक है, समझेगा एंड क्यों। यूनियन कब यूज करोगे, यूनियन कब यूज करोगे, जब और आएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कब यूज करोगे, जब नॉट आएगा, क्लियर। अब इंटरसेक्शन होता क्या है, पहली चीज इंटरसेक्शन समझने के लिए, हमने दो सेट मान लिए, मान लो ए सेट है 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड बी सेट है 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो इंटरसेक्शन का साइन कैसा है, सिंबल कैसा है, एन। इंटरसेक्शन का सिंबल कैसा है, एन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में है, वो एलिमेंट्स जो ए एंड बी दोनों में है, समझा। एंड क्यों यूज किया था मैंने यहां पर, आप लोग बोलोगे कैसे, द एलिमेंट्स विच आर इन ए एज वेल एज इन बी, ए एंड बी। तो ऐसा कितने और कौन से एलिमेंट्स है जो ए में है और बी में भी है। देखो ए का 1 जो है, क्या वो बी में है, बी में 1 नहीं है, तो 1 आप कंसिडर नहीं कर सकते। 2 देखो, 2 है क्या बी में, हाँ है। 3 है क्या बी में, हाँ 3 में भी है, बी में भी है। 4 है क्या बी में, हाँ 4 भी है। और कुछ बचा नहीं, तो मतलब क्या, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, बस इतनी सी चीज। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जो ए और बी दोनों में है, ओके। इंटरसेक्शन क्लियर हो गया, तो मेरे को बताओ कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कार्डिनल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1, 2, 3, तीन एलिमेंट्स है, मतलब कार्डिनल वैल्यू आ गया 3, ओके। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब मैं आपको एक अगर क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल सेट पता है आपको क्या है, यूनिवर्सल सेट हमने बता डिस्कस किया था पिछली बार, यूनिवर्सल सेट से ही दूसरे सेट बनते हैं, बराबर। अगर एक यूनिवर्सल सेट ई है, यूनिवर्सल सेट ई है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। ए सेट फिर से 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी को पूछा ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा, बताओ। ए इंटरसेक्शन ई पूछा, इसका मतलब क्या, ए और ई में क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन है आपको वो देखना, वेरी गुड। तो क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है,
थ्री भी कॉमन है, फोर भी कॉमन है, फाइव भी कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर। मतलब क्या, ये जो सेट है वो फिर से क्या बन गया, ये जो सेट आपने फाइंड किया है 1, 2, 3, 4, 5 ये फिर से क्या बन गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या आप इसको फिर से ए लिख सकते हो, क्या आप इसको फिर से ए लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि ए का सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और हमारा सेट बना क्या, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब आपने यहाँ पर फॉर्मूला निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन ई आपको हमेशा 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 क्या मिलेगा, ए मिलेगा हमेशा आपको। एलिमेंट्स कुछ भी हो, कुछ भी चेंज होने दो, अगर ई यूनिवर्सल सेट है, ए उसका एक कोई तो सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन ई आपको हमेशा ए मिलेगा। ओके, ये पहला फॉर्मूला हो गया, क्लियर है, ये खुद से आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट चीज, अब यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इसका सिंबल देखो यू, इसका सिंबल, इसको डिनोट कैसे करोगे, यू से डिनोट करोगे, कैसे डिनोट करोगे, यू से, ठीक है। अगर मान लो सेट्स है ए 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट है 2, 3, 4, 5 ओके, आपको पूछा है ए यूनियन बी निकालो, ये क्या साइन है, यूनियन का, ए यूनियन बी निकालो, मतलब क्या ए यूनियन बी, मतलब जो एलिमेंट्स ए में है और जो एलिमेंट्स बी में भी है, आपको दोनों लेने हैं, ए के एलिमेंट्स सारे ले लो और बी के एलिमेंट्स सारे ले लो। यूनियन मतलब क्या, ए के एलिमेंट्स सारे ले लो, बी के एलिमेंट्स सारे ले लो, सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ए के एलिमेंट्स सारे ले लो, तो 1, 2, 3, 4 ये तो सारे आ गए, बराबर है। फिर मैंने क्या बोला, बी के एलिमेंट्स सारे ले लो, तो बी के एलिमेंट्स लो 2, 3। अब देखो 2 यहाँ पर पहले से है, बी का एलिमेंट पहला 2 था, तो आप 2 लिखने वाले थे, बट आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि 2 तो यहाँ पर पहले से है, तो आपको कोई भी एलिमेंट वापस से रिपीट नहीं करना, यूनियन में आपको कोई भी एलिमेंट फिर से रिपीट नहीं करना, 2 यहाँ पर पहले से है तो चलेगा, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 अगर आपने चेक किया तो 3 भी पहले से है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 आपने चेक किया तो 4 भी पहले से है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 है क्या, 5 नहीं है, तो 5 आप लिख दोगे। अब आपका सेट बन गया ये ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। ओके, फिर से समझा दो, क्या किया हमने, सारे सेट, ए सेट के सारे एलिमेंट्स और बी सेट के सारे एलिमेंट्स, सिर्फ क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको डबल बार नहीं लिखना, उसको सिर्फ सिंगल बार लिखना, कॉमन एलिमेंट्स को सिंगल बार लिखोगे बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ, वो मेरे को बताओ, ए यूनियन बी आपको निकालना, क्या आएगा ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी क्या आएगा,
वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन कॉमा एट। वेरी गुड। ए के सारे एलिमेंट्स वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, और बी के सारे एलिमेंट्स फाइव रिपीट हो रहा है क्या नहीं लिखोगे, सिक्स रिपीट हो रहा है क्या नहीं लिखोगे, सेवन रिपीट हो रहा है क्या नहीं लिखोगे, एट रिपीट हो रहा है क्या नहीं लिखोगे। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी भी समझ गया। नाउ नेक्स्ट चीज, लास्ट थिंग है थर्ड वाला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मान लो एक सेट है ई जो कि यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है ए वन कॉमा टू कॉमा थ्री, एक सेट है ए उसके एलिमेंट्स है वन कॉमा टू कॉमा थ्री। ओके, अब आपको क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करो। मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखते कैसे है, ए लिखो ऊपर एक डैश दे दो, ए लिख दो ऊपर एक डैश दे दो, इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब वो सेट जो ए में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। फिर से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या, ए को छोड़ के बाकी सब, ए में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी सब। मतलब क्या ए डैश में वन नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता, थ्री नहीं आ सकता, ए डैश में वन नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता, थ्री नहीं आ सकता। मतलब क्या क्या आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, सेवन आ सकता है, एट भी आ सकता है। बराबर, क्या क्लियर हुआ, ए डैश मतलब ए में जो एलिमेंट्स है वो नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, नॉट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब क्या, नॉट ए। मतलब आपका ए डैश क्या हो जाएगा, फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन कॉमा एट। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, ओके। एक एग्जांपल आप लोग सॉल्व करोगे, If B is a set containing elements 4, 5, 6, then find B dash. अगर B element, universal set यही है, same है, universal set same है, B के elements अगर 4, 5, 6 है तो B dash क्या आएगा वो बताओ, B dash क्या आएगा वो बताओ। सेवन कॉमा एट गलत है, वेरी गुड। क्या आएगा, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा सेवन कॉमा एट। क्यों सर, क्योंकि आपको बी डैश निकालना है सिर्फ, तो बी डैश मतलब फोर नहीं आ सकता, फाइव नहीं आ सकता, सिक्स नहीं आ सकता, फोर नहीं आ सकता, फाइव नहीं आ सकता, सिक्स नहीं आ सकता, मतलब वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, सेवन आ सकता है, एट आ सकता है। बराबर, नल सेट क्यों आएगा, नल सेट नहीं, फोर फाइव सिक्स सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो बी डैश क्या बन जाएगा आपका, बी डैश बन जाएगा वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा सेवन कॉमा एट। ओके, चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़े से फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे, आप लोग ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा,
आप लोग को जितना समझा है उसके हिसाब से। बी एज अ यूनिवर्सल सेट, नहीं 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 बी बी एक सेट है यूनिवर्सल, आपको यही मानना है, ई को ही यूनिवर्सल मानना है। हाँ, अगर बी को आप अगर यूनिवर्सल सेट मानते थे तो नल सेट आता था बी डैश। ओके, अगर ई एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ए सेट है 1, 2, 3, ओके, मेरे को बताओ ए यूनियन ई क्या रहेगा, ए यूनियन ई क्या रहेगा, चलो बताओ फटाफट, ए यूनियन ई क्या रहेगा। वेरी गुड, चलो मीत आपका आंसर। वेरी गुड किट, 1, 2 ऑफकोर्स ए यूनियन बी, ए यूनियन ई है, इसका मतलब क्या, ए के एलिमेंट सारे आएंगे और ई के एलिमेंट सारे आएंगे। ई में 1 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखने की जरूरत है, 2 फिर से रिपीट हो रहा है, 3 फिर से रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं तो लिख दो, 5 भी नहीं रिपीट हो रहा, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, तो ये सेट बन गया। बट इस सेट को आप बोल क्या सकते हो, इस सेट को आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट ई बोल सकते हो, बराबर। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया, ए यूनियन ई इज इक्वल टू ई, ठीक है। ये मैं सब क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ये फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप ये फॉर्मूले याद करते बैठे तो आपको कभी याद नहीं होने वाला, समझोगे तभी याद होगा। ओके, सेकंड चीज, अब मेरे को ये बताओ ए यूनियन ए क्या होगा, ए यूनियन ए क्या होगा, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, बराबर 1, 2, 3, ए यूनियन ए मतलब ए के सारे एलिमेंट्स और ए के सारे एलिमेंट्स, तो ए के सारे एलिमेंट्स तो हमने लिख दिए 1, 2, 3, फिर से ए के एलिमेंट्स आप लिखोगे तो सब रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ 1, 2, 3 ही आएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, ए यूनियन ए, वेरी गुड, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, जब भी आपको दिखा तब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तब के तब निकाल लोगे आप, कोई भी एक साधारण सा सेट इमेजिन कर लो 1, 2, 3, ए यूनियन ए कर दो, आपको हर बार ए ही मिलेगा। ओके, तीसरी चीज, ए यूनियन ए डैश, अब ये बताओ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ट्राई करो एक बार, ए यूनियन ए डैश, एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, वेरी गुड,
चलो केतकी का आगे और किसी का? वेरी गुड, मीत। ए यूनियन ए डैश है, ए यूनियन ए डैश है मतलब क्या? वो एलिमेंट्स जो ए में है एंड वो एलिमेंट्स जो ए डैश में है, मतलब ए में नहीं है। ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3 बराबर। अब ए डैश में कौन से एलिमेंट्स हैं? ए डैश में आपका आएगा जो ए में नहीं है, मतलब कौन से? 4, 5, 6, 7, 8 बराबर। तो 4, 5, 6, 7, 8 इस सेट को आप देखोगे तो कौन सा सेट है? ये ई सेट बन गया फिर से। तो इसको आप क्या बोल दोगे? डायरेक्ट ई। ई मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट। ओके, ये चीज क्लियर है? नॉट क्लियर। देखो यूनियन मतलब क्या करोगे आप? मेरे वर्डिंग्स याद रखो। यूनियन मतलब क्या? वो एलिमेंट्स जो ए में है, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, और साथ साथ जो ए डैश में है वो भी एलिमेंट्स आ जाएंगे बराबर। सबसे पहले तो ए डैश मतलब क्या? ए डैश मतलब क्या? वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ए डैश मतलब क्या? वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो आप लोग अगर पहले ए डैश फाइंड कर लोगे कन्फ्यूजन कम करने के लिए, तो ए डैश क्या आ जाएगा आपका? जो ए में नहीं है, मतलब ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो बाकी के सब आ सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया आपका ए डैश बराबर है। तो ए यूनियन ए डैश, में आपका आएगा ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1, 2, 3 यहाँ तक के क्लियर है? ए के तो सारे एलिमेंट्स आ गए। अब क्या ऐड करोगे? ए डैश के एलिमेंट्स ऐड करोगे। तो ए डैश के एलिमेंट्स कौन से? 4, 5, 6, 7, 8 ये आपका सेट बन गया। और ये सेट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कौन सा सेट है? ई सेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब इसको आप डायरेक्ट ई बोल सकते हो। अब क्लियर हुआ? जालक आता क्लियर? बोला बाबा नो। ओके, अब ये यूनियन की चीज़ हो गई, यूनियन के फॉर्मूलेज हो गए। अब अपन जाएंगे फिर से इंटरसेक्शन पर। चलो फिर से पूरा लिखता है, फिर से ई सेट है, इस बार एलिमेंट्स चेंज करते हैं अपन। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है? ए है आपका ए बी सी, ए कितना है? ए बी सी। फर्स्ट चीज, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए, ए और ए सेट में कॉमन एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। ए और ए सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएगा? ए बी सी। चलो विशाल मीत आया। ओके, वेरी गुड। ए और ए में कॉमन एलिमेंट्स कौन से? ए और ए में जो ए है वही ए का कॉमन है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये पूरा आ गया।
मतलब क्या, आप ए इंटरसेक्शन ए को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए को आप क्या लिख सकते हो, ए। वेरी गुड। सेकंड चीज, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब वो एलिमेंट्स जो ए और ए डैश में कॉमन है, वैसे एलिमेंट्स जो ए और ए डैश में कॉमन है। ऐसे होते हैं क्या कोई एलिमेंट्स ए और ए डैश में कोई कॉमन? वेरी गुड। नल सेट सही है। देखो फिर से अगर कन्फ्यूजन होता होगा तो ए डैश भी अपन निकाल लेते हैं। ए डैश सेट क्या रहेगा, ए बी और सी को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, तो ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, मतलब डी आ सकता है, ई। तो देखो ए और ए डैश में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ए बी सी एक भी नहीं है, डी ई एफ जी एच यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या नल सेट आएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, सो क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ठीक है, देन लास्ट चीज, ए इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन ई क्या आएगा, चलो बताओ फटाफट। वेरी एक्सेलेंट, आ गया सबको। क्या आएगा, ए और ई में कॉमन, ए और ई में कॉमन मतलब कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। देखो ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, एलिमेंट्स ही नहीं बचे। तो ए कॉमा बी कॉमा सी मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, ई। ए इंटरसेक्शन ई आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल से सम्स छुड़ाना चालू करेंगे, थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेंगे, उससे समझेंगे कि क्या 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 चीज़ें आने वाली आगे। तब तक के गुड बाय, कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय बाय।